सर, मध्य प्रदेश में चर्चाओं का दौर है कि अगला चुनाव 23 का सिंधिया के फेस पे देखा जाएगा, क्या अगले मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, क्या कहते हैं आप इस बारे में? कहां से चर्चा आ गई है सर? ये मध्य प्रदेश में चर्चाओं का दौर है बाजार में, पता नहीं आप लोगों को खबर नहीं रहती तो इस प्रकार की खबर चला देते। नहीं सर, हम कोई भी खबर जो है बिना तथ्य के नहीं चलाते सर। इसमें कोई तथ्य नहीं होगी सर। एक चीज और, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस सरकार में गुटबाजी रही, उसके बाद वही गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी को पार्टी में देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में भोपाल में नरोत्तम मिश्रा को मंच पर कुर्सी नहीं मिली, जब वो नाराज होकर सामने जाकर बैठ गए कार्यकर्ताओं में, तो उनके मान मनोबल के लिए मनाकर और उनको मंच पर बिठा गया। देखिए, इस प्रकार की प्रशासनिक चुक हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं हुई होगी, मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा है वो, पर उसमें कोई गुटबाजी कारण नहीं होगी। प्रशासन सारी व्यवस्था करता है, शासकीय कार्यक्रम था, प्रशासन को ये नहीं पता होगा गृह मंत्री नहीं आ रहे होंगे, तो प्रशासनिक चुक ऐसे गुटबाजी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्या लगता है आपको, ऐसे में 23 में भारतीय जनता पार्टी की नई पार हो पाएगी? 100% होगी, मतलब आपको क्यों शंका है? एक सवाल और सर, दिग्विजय सिंह जी ने रतलाम में एक बयान दिया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आप लोग एक हो जाओ, नहीं तो ये 23 है अगली बार कांग्रेस के कार्यकर्ता ढूंढने को नहीं मिलेंगे, इस बारे में आप क्या कहते हैं? कभी कभी दिग्विजय सिंह जी सही बोलते हैं। ये देखिए, ऐसा है कि योगी जी ने विकास किया, सड़क पर दिख रहा है। जैसे मैं अभी 15-20 दिन प्रयागराज था, मैं सब जिलों में जाता था, प्रयागराज से कौशाम्बी जिले जाते थे हमको 3.5 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। जैसे विदिशा में पहले आने में 3 घंटे लगते थे, जब शिवराज जी पहला लोकसभा का चुनाव लड़े थे 91 में, जब 3 घंटे लगते थे अब 1.5 घंटे में आ जाते हैं। तो विकास विजिबल है, एकदम साफ दिखाई देता है। अब उनका विकास सिर्फ कब्रिस्तान पे दिखाई देता था, उसके आसपास की दीवारें बनी हुई रहती थी, शमशान की भली दीवार नहीं बनी पर कब्रिस्तान की दीवार बनी रहती थी। तो जो विजिबल है वो तो आदमी बोलेगा ही ना, जब शमशान की दीवार नहीं बनी और कब्रिस्तान की दीवार बनी हुई है हर गाँव के अंदर, तो आप इसे क्या कहेंगे? जो उन्होंने बनाया उसकी तारीफ की, बोला योगी जी ने भाई इनने कब्रिस्तान की दीवार बनाई, बहुत अच्छा किया इन्होंने, पर शमशान की नहीं बनाई। विकास के मुद्दे पे भी जा सकते थे, लेकिन हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।